तो मेरे हिसाब से आपको व्हील और सबसे ज़्यादा गंदे पार्ट्स के लिए अलग कपड़ा रखना चाहिए, जिसको आप वहीं के लिए यूज़ करें, क्योंकि हल्के फुल्के कंकड़ उसमें रह जाते हैं। अगर आप उसको यहाँ रगड़ेंगे तो बॉडी पैनल वगैरह में स्क्रैच आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से पूरा आ जा रहा है पानी बाहर, तो पानी निकल जाता है नीचे से, तो भरता नहीं है। जो मिनरल्स होते हैं ना वाटर में, वो प्रेसिपिटेट यानी कि जम जाते हैं उससे। को पोछना भूल गया था, तो देखिए ड्राई होके ऐसा इसमें दाग पड़ता है, तो हल्का गीला कपड़ा से पोछें ताकि ये दाग ना रहें। अब जल्दी से पूरी गाड़ी पोछते हैं। वाटर के ड्रॉप्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये भी भीग गया है। तो अंदर से आप गाड़ी धोने से पहले चार्जर निकाल लें, वरना ख़राब हो सकता है भाई, पानी से वाटरप्रूफ नहीं रहता। और ये बहुत ही ग्लॉसी गाड़ी है, तो ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रख के करना होगा। दोस्तों आज सोच रहे अपनी ओला S1 Pro को वॉश कर लें, काफ़ी दिनों से वॉश नहीं हुई है, और आपको साथ में बता देंगे कि इसको वॉश कैसे करते हैं हम लोग। भाई शैम्पू पूछने गया है गाड़ी के लिए, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो भाई ऐसा बोला जाता है कि घर के शैम्पू से यानी कि बॉडी वाले शैम्पू से नहीं धोना चाहिए, इसलिए हम गाड़ी का शैम्पू लेने आए हैं। ओला के मेनू में भी यही दिया हुआ है। मिल रहा है क्या भाई? पूरा बिलासपुर छान मारा लेकिन मिल नहीं रहा है यहाँ पे गाड़ी के लिए शैम्पू, तो अब मैं यार घर के हेयर वाले शैम्पू से धो रहा हूँ। जो होगा देखा जाएगा, वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कंपनी बोली है इसलिए ढूंढ रहे थे। आप ढूंढ के गाड़ी वाले शैम्पू से करिए, हम तो इससे ट्राई करके देख लेंगे, इतना रिस्क ले सकते हैं। कुछ गंदी है हमारी गाड़ी, कैमरे में इतना पता नहीं चलता, बट आप देख सकते हैं यहाँ व्हील्स में पूरे धूल भरे हुए हैं। ब्लैक नहीं दिख रहा है, ब्राउन सा दिख रहा है। और यहाँ भी देखिए धूल, कल हम रतनपुर गए थे उधर बहुत धूल था, ट्रक वगैरह चलती है ना इसलिए, तो ये धूल पास से देख पाएंगे आप। बता दूं मेरा नंबर प्लेट बन गया है, ऑनलाइन दिखा रहा है 11 मार्च को, अभी उसको लगवाएंगे रायपुर जाके। और एक चीज़ आपको बता दूं, वॉश करने से पहले गाड़ी वॉश करना एक कमिटमेंट है, आपको 2 घंटा निकाल के रखना पड़ेगा। इससे कम समय है तो आप गाड़ी वॉश ना करें, खास करके ओला S1 Pro, क्योंकि इसमें ग्लॉसी फिनिश है और बहुत ज़्यादा जगह पे पैनल से आपके जो छोटे दाग है वो भी दिख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। आज संडे है, हमने इसकी वॉश जब यहाँ पे बिलासपुर लेके आए थे तो हल्का सा पानी मरवाया था, क्योंकि पूजा करवानी थी, उसके अलावा हमने कभी वॉश नहीं किया इसको। और बीच बीच में पोछते रहना गाड़ी को साफ़ करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे बहुत स्क्रैचेज आते हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं, बिना पोछ की गाड़ी रखने से हालांकि गंदी लगती है बीच में, बट जब वो अब साफ कराते हैं तो काफ़ी अच्छी शाइनिंग लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। जैसे ये 13 ईयर ओल्ड मेरी CBZ है, 13 ईयर्स ओल्ड है। अब इसकी शाइनिंग देखिए, बार बार पोछता नहीं हूँ, सीधा धुला देता हूँ जब ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि हम ये जगह से पोछेंगे तो जो बारीक धूल है ये आपके पेंट में माइक्रो स्क्रैचेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपका शाइन चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए शाइन चाहिए तो ना पोछें, रोज़ रोज़ साफ़ करना है, धुलाना नहीं है। तो आप भले ही पोछ सकते हैं बट उससे ज़्यादा दिन शाइन नहीं रहेगा। इस गाड़ी को देख के अभी भी लोग 13 ईयर्स ओल्ड हो गया ऐसा नहीं मानते हैं, और ये टंकी चेंज कराए के ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता दूंगा। तो अदरवाइज वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गैजेट। और आज आप लोगों ने काफ़ी सारे ने पूछा था वॉश कैसे करना है, तो फिलहाल हमारे पास पाइप नहीं है, तो जो सबके यहाँ रहता है बाल्टी मग्गा और शैम्पू, बाइक का तो मिला नहीं, तो हम मम्मी के शैम्पू से यूज़ करने वाले हैं। पहले हम सिंपली क्या करने वाले हैं आपको बता देते हैं। पहले सिर्फ पानी डालेंगे, जो ये धूल फ्री वाले हैं ये निकल जाएंगे इससे। देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदी नहीं है, तो जो फ्री धूल है, फ्री मिट्टी है, वो निकल जाएगा इससे। उसके बाद जो बचा रहेगा उसको हम शैम्पू वाले पानी से थोड़ा सा रगड़ देंगे, तो इससे वो भी निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा हम हार्ड नहीं जाने वाले इसमें, और व्हील्स पे जो धूल है ना वो मेनली हमारा कंसर्न है उस। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमको फ्रीली पानी डालना है हर जगह जहाँ भी धूल दिख रहा है। पहले रिंस करना होता है बेसिकली, ताकि जो कीचड़ वगैरह भी है ना वो ढीले हो जाए और आसानी से निकल जाए। पहले आपको हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ पानी मारना है। सीट पे भी डाल देते हैं। पानी डालने से देखिए जो लूज धूल है ना वो अलग हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि लूज धूल अलग हो जाएगा, जब हम रगड़ेंगे तो स्क्रैच नहीं करेगा। मिनिमम धूल रहना चाहिए जब हम छुए इसको रगड़ें। तो मेरी कार वॉश थी इसलिए हम काफ़ी इस मामले में जानकारी रखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ लोग ये सब को क्लोज करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता ये सारी जगह को क्लोज करने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोग ये भी चाह रहे थे कि इसमें पानी भरता है कि नहीं, ये देखने के लिए आप दिखा दीजिए इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पानी पूरा निकल जाता है, ये देखिए यहाँ से पूरा आ जा रहा है पानी बाहर। अभी कितना क्या है ये तो समय ही बताएगा। इधर भी इसी तरीके से स्पीकर के ऊपर डालेंगे,
तो पानी निकल जाता है नीचे से, तो भरता नहीं है। लोग पूछ रहे थे भरता है कि नहीं, नहीं भरता, बस यहाँ थोड़ा सा वाटर लॉगिंग होता है, इसको लास्ट में निकालेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल पानी से, इसके बाद हम शैम्पू वाला पानी यूज़ करेंगे। देखिए अब मोटा मोटा धूल तो निकल गया है, जो हम बैठे देखे हम बनने लगा थे गाड़ी धोने में। तो ये देखिए हमने हम सब पानी डाल दिया है भाई। अब देखिए इसमें इतना पानी बचा दिया है, तो इसी में हम थोड़ा सा शैम्पू डाल के डाइल्यूट कर लेंगे, अच्छे से झाग बना देंगे। और कपड़ा एक ले आएंगे, जिसको कपड़ा क्लीन होना चाहिए ये ज़रूर ध्यान रखें। कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, जो भीगते ही बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और अभी हमारे पास स्पेशल कपड़ा नहीं है जो हम कार वॉश में यूज़ करते थे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको घिसना नहीं है, सिंपली वाइप करना है, ज़्यादा घिसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर सरफेस को एक बार आप टच कर लेंगे, और जैसे एक बार करते हैं थोड़ा सा ये लगता है गंदा हो गया तो फिर से रिंस करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। कोई भी एक पोर्शन ले लें, उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, गाड़ी को हमेशा ऊपर से नीचे धोना चाहिए, चाहे कार हो चाहे बाइक हो। इससे क्या होगा कि नीचे का धूल अपने आप कम होते जाएगा, जब आप धोते जाएंगे तो जब तक नीचे पहुँचेंगे काफ़ी कम कीचड़ और धूल बचा होगा, तो और नीचे की गंदगी ऊपर नहीं आ पाएगी इससे, क्योंकि नीचे ज़्यादा गंदी होती है गाड़ी, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो देखिए दो कपड़े का यूज़ करें, एक जो साफ़ जगह के लिए है, दूसरा जो बेकार गंदे जगह के लिए, जैसे टायर वगैरह। तो हम साफ़ जगह के लिए अब इसको यूज़ करेंगे, ऊपर ऊपर हम पहले शैम्पू वाला यूज़ करेंगे, फिर नॉर्मल पानी से इसी को यूज़ करेंगे। शैम्पू वाला स्टेप कर लिया है, अब नॉर्मल कपड़े से सॉफ्ट वाले से हम इसके बची हुई गंदगियाँ निकालेंगे। देख पा रहे होंगे आप काफ़ी साफ दिख रही है गाड़ी पहले से। अब दोस्तों हमने देखिए बॉडी का पूरा पार्ट जहाँ पे स्क्रैच आ सकता था उसको साफ कपड़े से बहुत ही ध्यान से ऊपर से नीचे धो लिया है, साफ कर लिया है। अब देखिए आप जो कम गंदे से ज़्यादा गंदे की तरफ आपको आना है, तो कम गंदा पार्ट हमने मोटा मोटा धो लिया है। और आप एक ही बार में परफेक्शन की उम्मीद ना करें, जब फाइनल पोछते तक की आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली क्लीन होगी आप देखेंगे। तो अब हम ऐसे पोर्शंस को धोएं, मतलब क्लीन करेंगे जो इससे ज़्यादा गंदे हैं बट टायर या मडगार्ड से कम गंदे हैं, और लास्ट में सबसे गंदा पोर्शन मडगार्ड और ये जो अलॉय है उसको करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको व्हील और सबसे ज़्यादा गंदे पार्ट्स के लिए अलग कपड़ा रखना चाहिए, जिसको आप वहीं के लिए यूज़ करें, क्योंकि हल्के फुल्के कंकड़ उसमें रह जाते हैं। अगर आप उसको यहाँ रगड़ेंगे तो बॉडी पैनल वगैरह में स्क्रैच आ जाएंगे, और मेरी गाड़ी जो पुरानी वाली इतनी शाइन कर रही है वो इसी मेथड से मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए वो शाइन कर रही है। मैं आपको अपने स्विफ्ट भी दिखाऊंगा, काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में है वो, तो ये मैं मेथड हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ। आशीष भाई को हमने बोला कि थोड़ा कम गंदे जगह को क्लीन करें, ऐसे ब्लैक पोर्शंस को जहाँ पेंट नहीं है, ये ऐसे पोर्शंस को, और हम सबसे गंदे पोर्शंस को क्लीन करते रहेंगे। अब दोस्तों हम फाइनली क्या कर रहे हैं, पूरी गाड़ी धुल गई है, और अब एक बार पूरा सब तरफ वॉश फिर से कर लेंगे नॉर्मल पानी से, ताकि जो भी थोड़ा हुआ डर्ट बचा वो निकल जाए। आप देख पा रहे होंगे पूरा धूल, मैक्सिमम धूल निकल गया है, तो ये है। उसके बाद हम गाड़ी थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि पानी जो है ये फंसे हुए वो निकल जाए, हल्का सा पानी रहेगा, हल्का सा नमी, तब हम पोछेंगे। तो ये देखिए गाड़ी वॉश हो गई है। अब देखिए ये हल्के हल्के बूंदे हैं ना, ये बूंदे अगर आप छोड़ देंगे तो दाग बन जाएंगे ये, तो ग्लॉसी फिनिश नहीं रहेगी तब। तो अभी सही वक्त है कि इसको पोछा जाए, तो आपको सिर्फ ऐसे एक बार पोछ देना है, गोल गोल ऐसे से नहीं घुमाना है, ऐसे आपको सिर्फ इसको छड़ा देना है हल्का सा गीले में, ताकि कपड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ज़्यादा गीला कपड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जैसा आप जानते होंगे। और ये बहुत ही ग्लॉसी गाड़ी है, तो ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रख के करना होगा। और इसमें भी आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं, ऊपर से नीचे जाएं, बहुत ज़्यादा देर सुखाने की कोशिश ना करें हवा में, गर्मी के समय ख़ास तौर पे जो मिनरल्स होते हैं ना वाटर में, वो प्रेसिपिटेट यानी कि जम जाते हैं उससे, तो वो कभी नहीं निकलेगा, फिर दाग सा दिखेगा। तो ये है थोड़ा, ये कपड़ा पानी को अच्छे से सुखा नहीं पाता है, तो आप एक गीला कपड़ा सॉफ्ट वाला कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे हम फाइनल जो लास्ट में शाइन करने के लिए यूज़ करते हैं वो कर देंगे। तो भाई फर्स्ट टाइम वॉश करके पहली चीज़ पता चली, पहली बार देखिए गाड़ी बंद थी, डिक्की बंद था, तो भी अंदर पानी कुछ कुछ चला जाता है, वाटर के ड्रॉप्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये भी भीग गया है। तो अंदर से आप गाड़ी धोने से पहले चार्जर निकाल लें, वरना ख़राब हो सकता है भाई, पानी से वाटरप्रूफ नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक या टिप्स या
कॉशन बताना चाहूंगा। पानी अंदर घुस गया मन में, वाटर प्रूफ नहीं है। ए बूंद बूंद दिखाता हूँ मैं आपको, पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ मैं। ये देखिए इतना पानी है और ये नीचे भी पहुँच गया। इसमें ड्रेन दिया ज़रूर हुआ है, लेकिन यार चार्जर रहता तो ख़राब हो जाता पक्का यहाँ पे, तो ये ध्यान रखें धोते समय निकाल लें चार्जर। तो आप देख सकते हैं ड्राई, मैंने इसको पोछना भूल गया था, तो देखिए ड्राई होके ऐसा इसमें दाग पड़ता है। तो ये सूखने ना दें, और गीला कपड़ा हल्का सा रहना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे ये दाग जो है हल्के फुल्के अगर आते हैं तो मिट जाते हैं। तो हल्का गीला कपड़ा से पोछें ताकि ये दाग ना रहें। अब जल्दी से पूरी गाड़ी पोछते हैं। ये वाला तो पूरा गीला हो गया, गीला होने के बाद ये रेशा छोड़ता है, तो एक्चुअल में अभी भी पूरा सूखा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन लाइन। एक्चुअल में ना सुखाने का कपड़ा अलग आता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एक ही स्टेप में वो सुखा देगा। अभी हमको दो स्टेप करना पड़ेगा। अगर वो आपको अगर आपको कपड़ा चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एकदम सॉफ्ट और अलग ही लेवल का वो कपड़ा होता है। मेरे पास अभी है नहीं दिखाने को, कार वॉश पे था, पता नहीं अभी कहाँ रखा हुआ है। तो इसको एक राउंड और पोछते हैं नए वाले माइक्रोफाइबर से। चार्जिंग पे लगा दिए हैं भाई, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों उम्मीद है वॉश से कुछ समझ आया होगा, और एक दो गलती हमने की है। गलती इन द सेंस वही फाइबर वाला माइक्रोफाइबर, इससे पोछ नहीं सकते, मतलब पहली बार पोछना है तो एक अलग क्लॉथ आता है, तो वो आपको लिंक दे दूंगा। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल के इतना दोस्तों, बाबा ठीक है। को वॉश किया बाल्टी मग्गे से, आपको वीडियो एडिट करके जरूर डालेंगे जल्दी से, और मेरे हिसाब से सफिशियंटली वॉश हो गई है। क्यों? हाँ भैया पूरा, और मम्मी पूरा रास्ता मतलब जब तक धो रहा था देख रही थी, उनको काफी अच्छा लग रहा था देखने से। कैसा लगी गाड़ी बने धोआ? अच्छा लगी से। तो गाड़ी धुलता हुआ देखने से जो मजा आता है ना, वो गाड़ी मालिक ही समझ सकता है, मीन्स जिसका गाड़ी बिलोंग करता है, जिससे जो अपना गाड़ी समझता है। वैसे दूसरों की गाड़ी धोते हुए देखना अच्छा लगता है। तो एक चीज और पता चल गई कि हेयर शैम्पू से भी गाड़ी ठीक ठाक धुल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कार शैम्पू लेना है तो लिंक दे देता हूँ, कोई सा अच्छा सा ले सकते हो वहाँ से। तो बाय, ठीक है।